हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू सेलेब चैट विद मनु। सो गाइस, आज का वीडियो सारे ही व्यूअर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बिग बॉस 16 कंटेस्टेंट शालीन भनोट की रियल लाइफ स्टोरी के बारे में। आई नो गाइस, आप लोगों को ऑलरेडी शालीन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता होंगी, पर इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग के साथ में कुछ एक ऐसे फैक्ट्स शेयर करने वाली हूँ जो कि शायद ही आपको पता होंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिए और स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शालीन भनोट का जन्म 15 नवंबर 1983 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक वेल सेटल फैमिली के अंदर हुआ। बात करें उनकी फैमिली की तो उसमें उनके पेरेंट्स के अलावा उनके दो सिबलिंग्स भी हैं। प्रोफेशन से उनके फादर एक बिजनेसमैन हैं एंड शालीन बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा पैम्पर्ड चाइल्ड रहे हैं। उन्होंने अपनी स्कूलिंग जबलपुर के ही एक प्राइवेट स्कूल से कंप्लीट की। जैसे ही शालीन बड़े हुए तब उन्हें रियलाइज हुआ कि उनका एक्टिंग में हमेशा से ही इंटरेस्ट है एंड उन्हें अपना करियर ग्लैमर इंडस्ट्री के अंदर ही बनाना है। एंड तब उन्होंने जबलपुर से मुंबई शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। मुंबई आते ही शालीन का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। उन्होंने काफ़ी सारे ऑडिशंस देना शुरू किया जहां पर उन्हें बहुत सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़े। काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्हें छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। एस मॉडल उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की एंड कुछ टाइम बाद ही रोडीज सीजन 2 के ऑडिशंस में पार्टिसिपेट करा शालीन ने, जहाँ पर वो सिलेक्ट भी हो गए। सो गाइज, शालीन ने रोडीज का सीजन 2 किया जिसमें उनके को कंटेस्टेंट थे आयुष्मान खुराना एंड रणविजय जैसे लोग, जो कि अब काफ़ी ज़्यादा आगे पहुंच चुके हैं कंपेयर टू शालीन। सो गाइस, शालीन की लाइफ में पर्सनली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी जिससे उनके करियर पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। जो लोग कहीं शालीन के बराबर में थे अब शालीन से काफ़ी आगे पहुँच चुके हैं। रोडीज करने के बाद शालीन ने टीवी सीरियल्स का रुख किया एंड सोनी टीवी के शो आयुष्मान से अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत करी, जिसके बाद शालीन ने एक के बाद एक टीवी सीरियल किया जिसमें आहत, कज्जल, शनि जैसे कैरेक्टर शामिल हैं, जहां पर उन्हें बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम मिला। जिसके बाद शालीन को सात फेरे टीवी सीरियल में भी देखा गया। इस सीरियल के अंदर उन्होंने करण का कैरेक्टर प्ले किया था जिसको व्यूअर्स ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। करियर के इसी सफर के दौरान शालीन की मुलाकात हुई एक्ट्रेस दलजीत कौर से एक टीवी सीरियल के सेट पर, जहां पर इन दोनों को एक दूसरे की कंपनी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई एंड धीरे धीरे इनकी दोस्ती काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये उन लोगों को खुद ही रियलाइज नहीं हुआ। शालीन ने पहले पहल की एंड 2009 में उन्होंने दलजीत को प्रपोज किया शादी के लिए एंड उसके बाद दलजीत ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट किया। 2009 में इन लोगों ने काफ़ी ग्रैंड वेडिंग की जिसमें उनके फैमिली के साथ साथ इंडस्ट्री के सारे ही फ्रेंड्स भी शामिल थे। उसके बाद शालीन ने दलजीत के साथ में ही नच बलिए में पार्टिसिपेट करा एंड इस सीजन के वो लोग विनर भी बने। शुरुआत में दोनों की शादी काफी ज्यादा अच्छी चल रही थी, पर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया दोनों के बीच में स्ट्रेस भी बढ़ता गया, जिसके बाद दोनों का एक बेटा भी हुआ। उसके बाद दोनों की शादी बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी, तो दलजीत ने डिसाइड करा कि वो शालीन से अलग होंगी एंड उसके बाद वो सिंपली अलग नहीं हुई बल्कि उन्होंने शालीन के अगेंस्ट केस फाइल किया जिसमें उन पर काफी ज्यादा एलिगेशंस लगाए गए। लाइक दलजीत को शालीन ने काफी ज्यादा मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर किया है, जिसके बाद वो उन्हें रूम में बंद रखते थे एंड उनके मेड ने उन्हें आकर अनलॉक किया था। सो अकॉर्डिंग टू दलजीत, इन 7 सालों में उन्होंने बहुत सारी चीजें फेस की थी शालीन के साथ। जहाँ वो शादी निभा रही थी वहीं उनके पेरेंट्स भी उन्हें इस चीज में सपोर्ट नहीं कर रहे थे। सो उन्होंने शालीन पर बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगाए, जिसके बाद कोर्ट में काफी सालों तक ये केस चला एंड एंड में कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि शालीन पर जितने भी एलिगेशंस दलजीत की तरफ से लगाए गए थे उनसे शालीन को फ्री कर दिया, पर उनके बेटे की कस्टडी दलजीत को ही दी बिकॉज दलजीत एक माँ है एंड वो उनका बेहतर ख्याल रख सकती हैं।
सो करेंटली उनका बेटा जो है वो उनके एक्स वाइफ दलजीत के साथ ही रहता है एंड 2-3 मंथ्स में ये लोग मिलते भी रहते हैं बिकॉज इन लोगों का मानना है कि उनके बेटे को माँ एंड बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए। शालीन एंड दलजीत के डिवोर्स के बाद भी शालीन ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए एंड पर्सनल लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को झेलने के बाद उनका इफेक्ट उनके करियर पर भी डायरेक्टली पड़ा। भले कोर्ट ने उन्हें सारे ही एलिगेशन से फ्री कर दिया पर स्टिल गाइज उन पर लोग काफ़ी ज़्यादा शक करते हैं दैट उन्हें एंगर इश्यूज हैं। ये सारी चीज़ें तो खुद बिग बॉस 16 के हाउस में भी लोगों ने देखी है एंड इसी सब के कारण एक टाइम ऐसा भी आया जब शालीन ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया और अपने आप को घर के अंदर ही वो रखा करते थे एंड इंडस्ट्री से भी काफ़ी दूरी बना ली। हालांकि काफी सालों बाद शालीन ने एक बार फिर से अपनी एक्टिंग जर्नी की शुरुआत करी है, इंडस्ट्री में एक बार फिर से आगे आए हैं एंड बिग बॉस 16 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जहां पर उनके गेम को बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है एंड उनकी एक्स वाइफ दलजीत कौर भी उन्हें घर के बाहर से फुल सपोर्ट कर रही हैं। सो गाइज यही थी आप सबके फेवरेट शालीन भनोट की रियल लाइफ स्टोरी। आई होप आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज, प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट। अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, लव यू ऑल।